नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नियोजित शिक्षकों ने 16 फरवरी को किया धरना प्रदर्शन करने का ऐलान। 2 से 3 दिनों में ठंड से मिल सकती है राहत। बीपीएससी टीचर भर्ती तीसरे चरण के लिए आज से आवेदन शुरू। टोल प्लाजा पर गाड़ी को रोकने की नहीं पड़ेगी जरूरत। हमेशा सेट पर लेट पहुंचने के कारण चर्चा में रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने कही ये बात। अब आप खुद से सिलेंडर के वजन और गुणवत्ता की कर सकते हैं जांच। विराट कोहली को लेकर दिए गए बयान पर एबी डिविलियर्स ने मारा यू टर्न। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में डाकघरों के लिए 10वीं पास उम्मीदवारों की निकली भर्ती। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्थित डाकघरों में नौकरी आई है। यह भर्ती कुल 78 पदों पर की जाएंगी। आवेदन की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट indianpost.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। साथ ही उन्होंने 10वीं पास कर रखी हो। आवेदन करने के लिए आपको दिए गए फॉर्म को भरकर डॉक्यूमेंट्स की स्वप्रमाणित और 100 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ बताए गए पते पर जमा करना होगा। इसका पता मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर GPO कंपाउंड कानपुर 208001 है। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को बजट सत्र शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त। बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 12 फरवरी से होने वाली है। इस बजट सत्र को लेकर सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बिहार विधानसभा परिसर पर फिलहाल बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम नजर रख रही है। सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक यह रूटीन जांच है। बता दें कि 12 फरवरी को होने वाले बजट सत्र को लेकर विधानसभा की कार्य सूची भी जारी कर दी गई है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू होगी। विधानसभा के अध्यक्ष इसका प्रारंभिक संबोधन करेंगे और फिर 11:30 बजे राज्यपाल का संयुक्त सदन में अभिभाषण देखने को मिलेगा। फिर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को हटाए जाने संबंधी संकल्प के प्रस्ताव को विचार के लिए पेश किया जाएगा। उसके बाद विश्वास मत का प्रस्ताव सीएम नीतीश सदन में अपनी सरकार के लिए रखेंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुशांत सिन्हा के बारे में। सुशांत सिन्हा एक भारतीय न्यूज रिपोर्टर तथा पत्रकार है। अब तक इन्होंने कई बड़े न्यूज चैनल में काम किया है, जिसमें जैन टीवी, जनमत टीवी, लाइव इंडिया, न्यूज 24, NDTV और इंडिया न्यूज जैसे चैनल के नाम शामिल हैं। वर्तमान समय में यह टाइम्स नाउ नव भारत टीवी चैनल में काम कर रहे हैं। इस चैनल के प्राइम टाइम शो में न्यूज की पाठशाला को होस्ट कर रहे हैं। बता दें कि लोग इनकी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए इन्हें खूब पसंद करते हैं। मालूम हो कि इन्होंने अपने एंकर की जर्नी की शुरुआत वर्ष 2002 में जैन टीवी से की थी। पत्रकारिता के अलावा इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर वो देश से जुड़ी अलग अलग समस्याओं के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। इन सभी चीजों के अलावा इन्होंने कई बड़े तथा प्रसिद्ध शो भी किए हैं, जिसमें प्रश्न का सुनो इंडिया और जवाब तो देना ही होगा जैसे डिबेट शो शामिल हैं। नियोजित शिक्षकों ने 16 फरवरी को किया धरना प्रदर्शन करने का ऐलान। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा। यदि शिक्षक इस परीक्षा को पास नहीं करते हैं तो उन्हें शिक्षक सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन नियोजित शिक्षक शिक्षा विभाग के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा बैठक भी बुलाई गई है, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा देखने को मिली। इस दौरान संघ के अध्यक्ष बृज नंदन शर्मा ने कहा है कि भारत सरकार का यह निर्णय था कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए। उसमें सारे शिक्षकों को सरकारी कर दिया गया था, उनकी सेवाएं सरकारी कर दी गई थी। अब आज नई नई बातें सामने आ रही हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि आने वाले 16 फरवरी को धरना प्रदर्शन किया जाए। हमारी पुरानी मांग है कि बिना किसी शर्त राज्य कर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को दी जाए। बिहार के टिकुली कला को GI टैग दिलवाने की चल रही कवायद। अभी तक बिहार में कई उत्पादों और कलाओं को GI टैग मिली है। इसमें बिहार के सिलाव का खाजा, शाही लीची, तसर सिल्क, मधुबनी पेंटिंग और मंजूसा कला आदि शामिल है। अब इन कलाओं और उत्पादों को GI टैग मिलने के बाद बिहार के टिकुली आर्ट को भी GI टैग दिलाने की तैयारी की जा रही। पद्मश्री देने की घोषणा पिछले महीने अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए की गई थी। इस उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन पिछले हफ्ते बिहार म्यूजियम की तरफ से किया गया था। इसी दौरान टिकुली कला को GI टैग से जोड़ने की बात अशोक कुमार विश्वास ने कही थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार के 7 लोक कलाओं को अब तक GI टैग मिल चुका है, लेकिन अब तक टिकुली आर्ट को GI टैग नहीं मिला है, इसलिए इन्होंने इस कला को भी GI टैग दिलवाने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बाद म्यूजियम महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने इस पर पहल करने की बात करते हुए कहा कि जल्द ही इसके लिए आवेदन किया जाएगा। इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं।
टोल प्लाजा पर गाड़ी को रोकने की नहीं पड़ेगी जरूरत। भारत में टेक्नोलॉजी के विस्तार से कई क्षेत्रों में विकास को गति मिली है। पहले टोल प्लाजा आते ही आपको लंबी कतारों में लगकर टोल टैक्स देने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन फास्ट टैक्स सिस्टम आने से टोल प्लाजा पर लंबी कतारों का सिलसिला कई हद तक कम हुआ। लेकिन इसे और भी आसान बनाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है, जहां उन्होंने संसद में सैटेलाइट टोल सिस्टम को लेकर बात करते हुए यह दावा किया कि आने वाले कुछ ही दिनों में यह सिस्टम लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को हम पूरे देश में लाएंगे, टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मधुबनी दौरे पर पहुंचे के पाठक ने हेडमास्टर और वरीय शिक्षक के वेतन पर लगाई रोक। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर के पाठक लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे मधुबनी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां मधुबनी शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मधुबनी दौरे पर पहुंचे के पाठक ने इस दौरान स्कूलों के जांच और निरीक्षण किए, जहां यहां आने के बाद उन्होंने बेनीपट्टी प्रखंड में अगले आदेश तक हेडमास्टर और वरीय शिक्षक के वेतन पर रोक लगा दिए हैं। के पाठक और मध्य विद्यालय में बाथरूम साफ नहीं होने पर भी आक्रोशित दिखे। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। इस बार के लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ भारतीय मतदान करने के होंगे पात्र। लोकसभा चुनाव में लगभग 97 करोड़ भारतीय मतदान करने के पात्र होंगे। इस बात की जानकारी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है। आयोग द्वारा कहा गया है कि 18 से 29 साल आयु के 2 करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है। आयोग के अनुसार 6% तक की वृद्धि लोकसभा चुनाव 2019 से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में हुई है। साथ ही लैंगिक अनुपात 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो चुका है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी द्वारा बताया गया है कि आयोग ने मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण में पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची की शुद्धता और सुचिता पर विशेष जोर दिया है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय के बारे में। बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय भोजपुर जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह भोजपुर में जगदीशपुर में स्थित है। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के एक जमींदार थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को भी मार दिया था। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं और इनकी बहादुरी के बारे में जान सकते हैं। यहां पर आपको वीर कुंवर सिंह की मूर्ति देखने को मिलती है, जिसमें वह घोड़े पर सवार है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग का संग्रह भी किया गया है। वीर कुंवर सिंह संग्रहालय जिस स्मारक में बना हुआ है, वह स्मारक भी प्राचीन है। इस संग्रहालय में आपको बहुत सारे डाक टिकट, प्राचीन हथियार, तिरंगा, झंडा, बाबू वीर कुंवर सिंह का ध्वज, मूर्तियां, पेंटिंग, बाबू वीर कुंवर सिंह की बायोग्राफी देखने को मिलती है। भागलपुर में एयरपोर्ट निर्माण की जगी उम्मीद। एक बार फिर से भागलपुर में हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल जिलाधिकारी को 475 एकड़ जमीन चिन्हित कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश बिहार सरकार के निदेशक निश्चित वर्मा द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें कि यदि भागलपुर में हवाई सेवा की शुरुआत होती है तो आसपास के जिलों को भी इससे काफी फायदा मिलेगा। भागलपुर में इस हवाई अड्डा को बनाने की मांग विधायक पवन कुमार यादव द्वारा रखी गई थी। हवाई अड्डा के लिए जिला प्रशासन अपने स्तर से भूमि चिन्हित करवा रहा। मिली जानकारी के मुताबिक जमीन का चुनाव गोराडी में हो सकता है। हवाई अड्डे के निर्माण से यहाँ के लोगों को हवाई यात्रा करने के लिए पटना, बागडोरा या देवघर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गया के फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े लाखों रुपए की हुई लूट। गया में खिजर सराय की धूरा पर स्थित एक फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। दरअसल बीते दिन बदमाशों ने 8 लाख रुपए से भी अधिक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ये बदमाश कल सुबह 10 बजे के करीब में फाइनेंस कंपनी के अंदर गए थे, जहां इन्होंने कर्मियों और गार्ड को हथियार दिखाकर बाथरूम में बंद कर दिया और फिर केवल 7 मिनट में ही पूरे वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। मामले की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। मामले को लेकर नीमचक बथानी SPDO प्रकाश कुमार ने बताया है कि 2 बाइक से 4 बदमाश लूटपाट के लिए पहुंचे थे। मामले को लेकर कर्मियों और गार्ड से फिलहाल पूछताछ चल रही है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा। बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। बीपीएससी टीचर भर्ती तीसरे चरण के लिए आज से आवेदन शुरू। बीपीएससी टीचर भर्ती को लेकर तीसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, वे आज से कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी 2024 है। हालांकि लेट फीस के साथ आप 25 फरवरी 2024 तक भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा। इस वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स आपको bpsc.bih.nic.in पर देखने को मिल जाएंगे।
आवेदन किए गए उम्मीदवारों की परीक्षा 7 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच होगी। वहीं इस परीक्षा का रिजल्ट 22 से 24 मार्च तक घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट कई चरण में विषयवार तरीके से जारी किए जाने हैं। हमेशा सेट पर लेट पहुंचने के कारण चर्चा में रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने कही ये बात। सेट पर लेट पहुंचने के कारण शत्रुघ्न सिन्हा कई लोगों के बीच प्रसिद्ध है। अब उनके इन्हीं लेट से पहुंचने वाले रवैये पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। इन शिकायतों को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि सेट पर देर से आने के बाद भी वे काम जल्दी खत्म कर लेते थे। जो काम लोग 10 घंटे में खत्म कर लेते थे उन्हें मैं 2 से 3 घंटे में खत्म कर देता था। मैं वन टेक कलाकार था। मैं 10 पेज के डायलॉग को केवल 1-2 बार पढ़ता था और फिर डायरेक्ट टेक करता था और इसलिए वे मुझसे खुश भी रहते थे। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही। गूगल के इस फीचर से साइबर फ्रॉड से बचने में मिलेगी मदद। आजकल फोन के जरिए साइबर फ्रॉड के कई मामले सामने आ रहे हैं। ये साइबर अपराधी ऑनलाइन तरीके से या कई तरह के ऐप का इस्तेमाल करके पैसे ठगने के प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे फ्रॉड से एंड्रॉइड यूजर को बचाने के लिए गूगल एक नई योजना बना रहा है, जिसके तहत गूगल ने एनहांस्ड फ्रॉड प्रोटेक्शन का ऐलान कर दिया है। इसके तहत आम लोग अब आर्थिक फ्रॉड से भी बच सकेंगे। इस प्लान को लेकर कंपनी द्वारा बताया गया कि यह फीचर उन ऐप्स पर नजर रखेगी और फिर उसे ऑटोमेटिकली ही ब्लॉक कर देगी, ताकि एंड्रॉइड यूजर इसके चक्कर में ना आए। 2 से 3 दिनों में ठंड से मिल सकती है राहत। बिहार में बीच बीच में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिले और पछुआ हवा चलने के बाद कनकनी भी बढ़ गई है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में यह ठंड केवल 2 या 3 दिन तक ही रहने वाले हैं, उसके बाद ठंड से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश का मौसम शुष्क रहने वाला है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। अब आप खुद से सिलेंडर के वजन और गुणवत्ता की कर सकते हैं जांच। सिलेंडर की क्वालिटी और उसका वजन जांचने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विशेष कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस स्कीम का नाम है प्योर फॉर श्योर, जिसके तहत लोगों को सही वजन के सिलेंडर मिल जाएंगे और सिलेंडर के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी। मिली जानकारी के अनुसार सिलेंडर में इस योजना के तहत छेड़छाड़ रोधी सील लगाए जाएंगे, जहां QR कोड भी लगा रहेगा। इसे स्कैन करने के बाद ग्राहकों को एक सिग्नेचर ट्यून के साथ प्योर फॉर श्योर पॉपअप दिखाई देगा। यहां ग्राहकों को सिलेंडर के वजन जैसे कई जरूरी विवरण दिखाई देंगे। इस दौरान डिलीवरी से पहले ही कस्टमर अपने सिलेंडर की जांच कर सकेंगे। यदि सिलेंडर के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए गए होंगे तो QR कोड स्कैन नहीं हो पाएगा। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी विधायकों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार के विधानसभा में 12 फरवरी को सीएम नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार फ्लोर टेस्ट देने वाली है। इस फ्लोर टेस्ट से पहले 11 फरवरी को बोधगया में बीजेपी विधायकों के लिए कार्यशाला आयोजित होने वाली है। ऑनलाइन माध्यम से इस आयोजन का संबोधन अमित शाह करने वाले हैं। विधायकों के लिए बोधगया में होने वाले इस वर्कशॉप को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह कार्यक्रम पहले से ही तय था। इसमें शामिल होने के बाद सभी विधायक रविवार शाम में पटना पहुंच जाएंगे और सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ जदयू भी अपने विधायकों को एकजुट करने की कवायद कर रही है। पटना में जदयू ने भी 11 फरवरी को अपने विधायक दलों की बैठक बुलाई है। वहीं दूसरी तरफ इस फ्लोर टेस्ट को लेकर राजद लगातार यह दावा कर रही कि बिहार में फ्लोर टेस्ट के दिन खेला होगा। राजद के इस दावे को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, फ्लोर टेस्ट बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि हमारे पास बहुमत है। इन दिग्गजों को भारत रत्न देने पर बीजेपी और जदयू ने की सराहना तो विपक्ष ने बताया राजनीति। बीते दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बिहार से जदयू और बीजेपी ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। दरअसल केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने इसे राजनीतिक हित बताते हुए वोट की राजनीति करार दे दिया है। इस संबंध में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह भारत रत्न के हकदार थे, लेकिन भारत रत्न के लिए कोई पैमाना नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक हित के लिए और वोट के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। 2 मंत्री पद की मांग के बाद जीतनराम मांझी को लेकर चल रही चर्चाओं पर लगा विराम। बिहार कैबिनेट में 2 मंत्री पद की मांग को लेकर इन दिनों जीतनराम मांझी और उनकी पार्टी खूब चर्चा में देखने को मिल रही थी। जीतनराम मांझी को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म था, लेकिन अब इन सभी चर्चाओं पर जीतनराम मांझी ने विराम लगा दिए हैं। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मेरे लिए सत्ता की कुर्सी मायने नहीं रखती, बस गरीबों, मजलूम और दबे कुचले के हक और हकूक की आवाज उठती रहे, उनका काम हो यही काफी है। मैं गरीब जरूर हूं, पर कुर्सी के लालच में किसी को धोखा नहीं दे सकता। अपनी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि
हम मोदी जी के साथ थे, हम मोदी जी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ रहेंगे। क्या तेजस्वी से डर गई है भाजपा, राजद नेता ने कह दी ये बात। बिहार में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले ही एनडीए के घटक दलों और राजद के बीच तकरार देखने को मिल रहा। इस फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को जहां हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है, तो वहीं बीजेपी भी अब इन विधायकों को गया ले जाने की तैयारी कर रही। भाजपा के इस फैसले को लेकर अब राजद ने बीजेपी पर तंज कसा है। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने इसको लेकर कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की यह स्थिति है कि वह राजद और तेजस्वी यादव से डर गए हैं। उनका डर ही तेजस्वी की मजबूती को दिखाता है। उन्होंने कहा कि राजद शिष्टा की राजनीति करती है, वह जोर तोड़ की राजनीति नहीं करती, जबकि भाजपा हो या जदयू दोनों की राजनीति इसी से चलती है। विराट कोहली को लेकर दिए गए बयान पर एबी डिविलियर्स ने मारा यू टर्न। इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर चर्चा देखने को मिल रही। दरअसल किसी निजी कारणों से इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मुकाबले की टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था। फिलहाल 15 फरवरी से राजकोट में सीरीज के तीसरे टेस्ट में वे हिस्सा लेंगे या नहीं, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। अब इसी बीच दक्षिण अफ्रीकी टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को लेकर कहा था कि वे दूसरी बार पिता बनने वाले हैं, लेकिन अब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने इस बयान से यू टर्न मार लिया है और कहा है कि उन्होंने इस बारे में गलत जानकारी दी थी, विराट कोहली पिता नहीं बन रहे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1616 में ब्रिटेन के राजदूत सर थॉमस रॉ मुगल शासक जहांगीर के दरबार अजमेर में आए थे। आज के दिन वर्ष 1818 में अंग्रेजों और मराठा के बीच तीसरा और अंतिम युद्ध रामपुर में लड़ा गया था। आज के दिन वर्ष 1912 में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत से रवाना हुए थे। आज के दिन गांधी जी ने काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया था और ड्यूक ऑफ कन्नौट ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। आज के दिन वर्ष 1929 में जेआरडी टाटा पायलट लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय बने थे। आज के दिन वर्ष 1979 में ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी। आज के दिन वर्ष 1981 में खगोलविद राय पैंथर ने धूमकेतु की खोज की थी। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे ईवीएम का चुनाव में नहीं होगा इस्तेमाल के दावे के बारे में। लोकसभा चुनाव से पहले वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा। दरअसल एक वन वायरल ओनली नाम के यूट्यूब चैनल ने दावा करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश के बाद लोकसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन जब हमने इस खबर की पड़ताल की तो हमने पाया कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस खबर को पीआईबी ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स के आधिकारिक हैंडल पर शेयर किया है, जहां उसने इस खबर को पूरी तरह से फर्जी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है, इसलिए इस तरह के खबर को फॉरवर्ड करने से बचें। यदि कोई कर रहा है तो उसे मना करें। बैंकिंग सेक्टर से शेयर बाजार में दिखा जोश। शेयर बाजार में तगड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां बाजार के प्रमुख इंडेक्स सुस्त शुरुआत के साथ टूट गया, फिर चढ़कर बंद हुआ। बता दें कि सेंसेक्स 167 अंक के ऊपर 71,595 पर पहुंचा और निफ्टी 64 अंक चढ़कर 21,782 पर आ गया। वहीं बैंकिंग सेक्टर से बाजार को जोश मिलता दिखाई दिया। इसके अलावा एफएमसीजी और फाइनेंशियल सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी 64 अंक चढ़कर 21,782 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 622 अंक चढ़कर 45,634 पर बंद हुआ है। एनडीए की सरकार बनने के बाद अब प्रदेश में लागू होगी पीएम मोदी की यह योजना। जब वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना लागू करने की घोषणा की थी, तब बिहार में महागठबंधन की सरकार ने इसमें कुछ खास रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन अब एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाते ही बिहार में इस योजना को लागू करने की बात की है। इसमें प्रदेश के 268 विद्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा, जहां 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता चयनित प्रत्येक विद्यालय को शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाएगी। इस योजना के तहत हर प्रखंड से 2 विद्यालयों का चयन होगा, जिसमें एक प्राथमिक और एक मध्य विद्यालय शामिल होंगे। फिलहाल इस संबंध में विद्यालयों के चयन की सूची सभी जिलों से मांगी गई है। आपको बता दें कि इस योजना को लेकर महागठबंधन की सरकार से केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव मांगा गया था, लेकिन इस योजना को प्रदेश में लागू करने का प्रस्ताव उस वक्त बिहार सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 कहां में संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी है रियाद, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रियाद।
गुजरात सरकार ने छठी से बारहवीं तक के पाठ्यक्रम में किसके मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन ए है श्रीमद् भगवद गीता, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है महाभारत, ऑप्शन डी है पुराण। इसका सही उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता। कौन सी कंपनी 2025 तक 20 लाख से अधिक भारतीयों को एआई के कौशल में सक्षम बनाने का प्रशिक्षण देगी। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है अमेजॉन, ऑप्शन डी है टाटा कंसल्टेंसी कंपनी। इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन डी है माधव श्री हरि अने। इसका सही उत्तर है जयराम दास दौलत राम। बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए है किशनगंज, ऑप्शन बी है चिरांद, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही उत्तर है चिरांद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पवन सिंह, रंजीत मिश्रा, साधुल्ला पालवी, रवि कुमार राम, राजकिशोर महतो, गोनर शर्मा, विकास दास, सुबोध कुमार, पूजा कुमारी, राजेश, सिकंदर पंडित, निकू कुमार यादव, सुरेश ओरम, नौसाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, धीरज कुमार शाह, मोहम्मद जमील, राम कुमार, संघर्ष कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने पहली बार चुनाव कब और किस उम्र में दिया था? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।